कोरोना वायरस के फैलते संक्रमण पर काबू पाने की जद्दोजहद में जुटी सरकार के सामने अभी भी भारी चुनौतियां हैं। केंद्र सरकार ने भले ही पूरे देश में 21 दिन के लॉकडाउन का ऐलान किया हो, लेकिन विदेश से लौटे काफी लोगों की जांच अभी भी नहीं हो पाई है। कैबिनेट सेक्रेटरी ने राज्यों को चिट्ठी लिख अलार्म बजा दिया है। कैबिनेट सेक्रेटरी राजीव गाबा ने राज्यों को चिट्ठी लिखकर बताया है कि 15 लाख लोग विदेश से लौटे हैं और सबकी ना तो कोई जांच हुई है और न ही उनकी निगरानी की गई है। गृह मंत्रालय के अप्रवासी ब्यूरो ने विदेश से लौटे 15 लाख से अधिक लोगों की सूचना साझा की है और बताया कि यात्रियों की वास्तविक संख्या में और जिनकी निगरानी की जानी चाहिए थी उनकी संख्या में बहुत अंतर है। उन्होंने कहा कि केंद्र ने कई बार राज्यों को इस बात के लिए आगाह किया है कि राज्यों में विदेश से लौटे लोगों पर निगरानी की जाए और उन्हें चिन्हित कर उनकी जाँच की जाए। कैबिनेट सचिव ने एक पत्र में कहा कि गंभीरता से कोविड-19 के प्रसार को रोकने हमारे प्रयासों को खतरे में डाल सकता है, क्योंकि भारत में अब तक कोविड-19 के अधिकांश पॉजिटिव मामले वाले लोग विदेश यात्रा से लौटे हैं। बता दें कि बिहार के मुजफ्फरपुर और सारण जिलों में अधिकारी केंद्र की सूची में जिन 500 लोगों का जिक्र है उनमें से केवल 385 का ही पता लगाया जा सका है। कई मामले ऐसे भी सामने आए हैं जिनमें लोगों ने अपने अंतर्राष्ट्रीय नंबर बताए हैं, जिससे उन्हें ट्रैक करने में मुश्किलों का सामना करना पड़ा। सारण जिला मजिस्ट्रेट सुंदर कुमार ने बताया कि उनके राज्य की आंगनबाड़ी सेविकाओं और शिक्षकों के जरिए 300 में से 250 ही ट्रैक किए गए हैं। कई ऐसे लोग हैं जिनका कोई अता पता ही नहीं है। बता दें कि स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक भारत में अब तक कुल कोरोना में संक्रमित लोगों की संख्या 724 हो गई है, जबकि 66 मरीज ठीक होकर घर लौट गए, जबकि इसके चलते अब तक 17 लोगों की जिंदगियां खत्म हो चुकी हैं। अब देखना है कि प्रशासन और कितना मुस्तैद होता है। एक बात तो तय है कि अगर अब बात बढ़ जाती है तो 21 दिन का लॉकडाउन बढ़ाया भी जा सकता है। ANP न्यूज रूम की रिपोर्ट।